दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही खास और बड़ा ही अहम है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और सुपर लाइक करें। ओके, आइए शुरू करते हैं सिंटैक्स के बारे में, जो है इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सिखाती है हाउ टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली। अंग्रेजी को किस तरह लिखें इसमें हमारी कोई भी गलती ना हो, या हम कह सकते हैं जीरो एरर के साथ। आज हम सीखेंगे वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में, और सबसे पहले हमें पता करना होगा पोजीशन ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, आखिर वाक्य में क्रिया का स्थान क्या है। कई बार मैं ऐसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे, कि कर्ता फादर ऑफ द फैमिली की तरह है, क्रिया हेड ऑफ द फैमिली यानी कि मदर ऑफ द फैमिली है, और कर्म ऑब्जेक्ट है बच्चे, तो पूरा परिवार बन जाता है। आइए हम सीखेंगे क्रिया का वाक्य में स्थान कहाँ है। ध्यान दें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया और कर्म, यानी कि वाक्य के बीचों बीच में क्रिया आती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों जहां क्रिया ड्राइविंग सीट पर आ जाती है, हालांकि बीच में भी वो ड्राइविंग सीट पर ही थी और सब्जेक्ट को पीछे कर देती है। ऐसी 5 कंडीशंस मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं जिससे आपका कम से कम समय लगे। आइए इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है जब वर्ब इच्छा प्रकट करे। लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे महाराज दीर्घायु हूं, तो यहां पर हम देखेंगे लिव यानी वर्ब पहले आई है। दूसरा, इफ के बिना कंडीशन प्रकट करे, अगर इफ का यूज होगा तो सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसके बगैर भी कई बार कंडीशन हो सकती है। कैसे? हैड ही कम टू मी, काश वो मेरे पास आया होता, आई वुड हैव टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ा दिया होता। तो यहां हम देखेंगे वर्ब पहले आई है और सब्जेक्ट बाद। जब सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट हो, तो देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में एक पुस्तकालय है, तो यहां पर भी वर्ब का यूज पहले हो गया है। देन जब सेंटेंस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, इन कंडीशंस में भी क्रिया पहले आएगी। एग्जांपल्स देखेंगे, एज मैन सो, जैसा आदमी या लोग बोते हैं, सो विल दे, वैसा ही वे काटेंगे। नेक्स्ट है, नो सूनर डिड ही बिगिन टू स्पीक देन एवरीवन वाज साइलेंट, इससे पहले कि उसने बोलना शुरू किया सारे लोग खामोश हो गए। लास्ट है, वाक्य में इम्फेसिस या प्रभाव बढ़ाने के लिए भी हम ऐसा करते हैं, क्रिया का यूज पहले करते हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, विपत्तियों और मुश्किलों के बाद भी जीवन में मिठास आती है, या फिर संघर्ष का परिणाम सुखद होता है, या सुखद परिणाम पाने के लिए संघर्ष तो जायज है, करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें संजीव गोस्वामी, वीडियो को लाइक और सुपर लाइक जरूर करें। नमस्कार।